इस इस वजह से मैंने सोचा कि आज क्यों इन्हें वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए थे ना तो मैंने सोचा ये ओ घोषित करने पर वो ओ हो जाता है समझना जरा तो हाँ मैं बता देती हूँ जो पिथौरागढ़ में धारचूला सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो कैसे आप सब लोग होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ तो आज का वीडियो क्यों वीडियो होने वाला है क्योंकि आ, मैं घर पे ही हूँ ना आज मैं कहीं जा भी नहीं पाई और डेली डेली नॉर्मल ब्लॉग भी नहीं कर सकती घर के ब्लॉग क्योंकि उसमें आप लोग भी बोर हो जाओगे तो इस इस वजह से मैंने सोचा कि आज क्यों इन्हें वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए थे ना तो मैंने सोचा हाँ क्यों वीडियो बनाते हैं तो चलो फिर क्यों नए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए थे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी वहाँ तो आ, जो लव स्टोरी वाला व्लॉग था ना यहाँ यूट्यूब पे भी और पेज पे भी तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं बहुत सारे आ, अच्छे क्वेश्चन भी हैं और दो तो चार नेगेटिव क्वेश्चन भी हैं तो आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं और बहुत से लोगों ने अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं मतलब तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं इतने सारे लोगों का एक साथ रिप्लाई नहीं दे पाती वहाँ पे एक एक करके इसलिए मैंने सोचा कि क्यों इन्हें वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए तो सबके डाउट क्लियर भी हो जाएंगे और सबको समझ आ जा भी जाएगा और एक एक करके मैंने रिप्लाई भी नहीं देना पड़ेगा तो सार सबके आंसर क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं फिर तो ये है मेरे पास अजबेंड जी का फ़ोन तो मैं इससे क्वेश्चन पढ़ूँगी और यहाँ पर आप लोगों के आंसर दूँगी तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट यूट्यूब से और यूट्यूब भी ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आ, इन जितना टाइम होगा मतलब फेसबुक पेज पे पेज वालों के क्वेश्चन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश भी करूँगी अब टाइम पे डिपेंड है ना और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आ, लव स्टोरी वाले ब्लॉग से कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट करते हैं <coughs> तो यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है सरिता जोशी ब्लॉग्स का Uh, मुझे भी यही लगा था कि पहले आपके हस्बैंड फौजी होंगे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है सब सब नहीं होता है सच कह रहे हो आप और आपके हस्बैंड बहुत सीधे और मासूम दिल के लग रहे हैं <coughs> उनको खूब सारा प्यार उनको खूब सारे प्यार से रखना और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो खूब खुश रहो दोनों दोस्त समझ के दिल से मैसेज किया आपको तो थैंक यू सो मच आपको कि आपने इतना प्यारा सा कमेंट करा इनके कमेंट के अंदर उन्होंने उस कमेंट का रिप्लाई दिया है एक मानसी मनु करके कमेंट किया है इन्होंने तो मुझे आपका बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसा कमेंट करा है उन्होंने तो इनका रिप्लाई दिया हुआ है तनुजा धामी ने आ तो आप बोल के दिखाओ अच्छा हुआ उनका कॉन्फिडेंट अच्छा उनका कॉन्फिडेंट देखो और और कोई इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाता है अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो हेमा दिया बहुत अच्छे हैं बट बहुत मेहनती हैं तो यार मैं क्या ही बोलूँ <laughs> क्या ही बोलूँ मैं अरे यार ये कमेंट तो नॉर्मल है अभी मैं आपको जो तीन चार लोगों ने कमेंट कर रखे हैं ना वो पढ़ के बता दी कि कैसे कमेंट कर रखे ये तो चलो नॉर्मल ही है इनका मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा चलो उन्होंने एक वो बताया ना कमी बताई मेरे अंदर की कि बोल बोलना अच्छा नहीं लगता तो क्यों अच्छा नहीं लगता आपको कुछ अपना रीज़न देना चाहोगे कि किस किस वजह से आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता कहाँ पे अच्छा नहीं लगता किस चीज़ में अच्छा नहीं लगता तो आप उसका डिटेल में भी दे सकते हो ना तो अगला कमेंट है मिस्टर मेहरा ब्लॉग्स का तो भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे तो थैंक यू सो मच आपको और फिर अगला कमेंट है शॉर्ट्स वीडियो करके आइडिया इनकी बहुत अच्छी लव स्टोरी है आपकी लव फ्रॉम चमोली तो थैंक यू सो मच आप लोग चमोली से भी मुझे देख रहे हैं आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे तो थैंक यू आपको और पुष्कर परिहार का कमेंट है बहुत सुंदर जुड़ी है आपकी तो थैंक यू सो मच दिल से थैंक यू और काजल कोरंगा का कमेंट है क्यूटी क, क्यूटी कपल्स दी सही बोला दी आप आपने पैसा ही सब कुछ नहीं होता है प्यार होना भी ज़रूरी है तो सही बात है थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए तो सही बात है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है भाई तो अगला कमेंट है मंजू रावत ब्लॉग्स का बहुत अच्छा कहा दीदी अपने पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लगभग सबके कमेंट्स ना एक ही जैसे हैं मतलब कि हाँ यही करके क्यूटी कपल्स करके तो आपने सही विचार रखे ये करके सबके एक जैसे कमेंट है तो मैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट ढूँढती हूँ तो उनके आंसर देती हूँ मुन्नी आर्या का कमेंट है कितनी बार कहोगी इतनी तरफ क्या लिखा है कितनी बार कहोगी इनकी तरफ से था मेरी तरफ से नहीं था इतनी ईमानदार हो क्या पे यार क्या बोलूँ मैं यार इनको यार कैसे कमेंट कर रखे हैं इतनी ईमानदार हो क्या क्या जो मैं जो हमारी स्टोरी है जो सच्चाई है जो रियलिटी है ना वो बता रही हूँ मैं अब अपने मन से बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रही होंगी ना जो रियलिटी है वही तो मैं बोल रही हूँ औरत होके कैसे कमेंट कर रही है पंकज फरतियाल का कमेंट है भैया तो बड़े लकी हैं जिसको लाइक करते थे वो मिल मिल भी गए हमको पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे लगते लगते हैं लगते बहुत इनोसेंट हैं भैया ब्यूटीफुल कपल तो थैंक यू सो मच आपको अब बारी आती है एक ऐसे कमेंट की मतलब बहुत गंदा कमेंट कर हैं यार वो जबकि ये लड़की है बताए विमला कार के इसका नाम है क्या कहते हैं इसने क्या कमेंट कर करे बताए है है? ये मुझे पसंद करते थे मैं नहीं पागल औरत कितनी बार बोल रही है मुझे तो लगता है तूने ही फंसाया होगा हद यार क्या कमेंट क्या ऐसा कमेंट कैसे कर दिया आपने मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा अरे जो रियलिटी है वही तो बता रही ना मैं बार बार आप लोगों को कैसे बताऊँ यार अतः सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं किसी ना किसी ने बस ठान के रखी है कि हाँ करना ही है एक गलत कमेंट करके ना इनको देख ही नहीं जाती है जले जाते हैं एक कमेंट ऐसा भी आया है ना गाइज क्या ही बताऊँ यार सच में शर्म आ रही है मेरे को खुद पढ़ने में पता है मैं पढ़ती हूँ नसेरी सेड़ी पता नहीं क्या नाम भी नाम भी पता नहीं क्या है इसका तो इसने कमेंट कर करा है तुम जैसे हमारे कुमाओं कुमाओं के बच्चों को <स्थाँगे> गलत गलत चीज़ें सिखा रहे हो गलत पी कमेंट भी पता नहीं क्या कर रहे है गलत गलत चीज़ें डाल रहे हो मतलब तुम जैसे हमारे कुमाओं कुमाओं के बच्चों में गलत चीज़ें डाल रहे हो अब यार मैं क्या गलत चीज़ें डाल रही हूँ भाई मैंने थोड़ी ना कहे कि बच्चों बच्चों से देखो ये करो अब बच्चों को कंट्रोल में रखना तो माँ बाप का काम होता है ना तो क्या जिन लोगों ने गंदे कमेंट करे हैं मतलब ऐसे कमेंट करे हैं मैं उन लोगों से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों से कुछ कह के ना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोग ना कभी सुधरते हैं ना कभी अच्छी कमेंट्स कर सकते हैं ना कभी अच्छी बातें कर सकते हैं ना कभी क्या ही बोलूँ मैं ऐसे लोगों के लिए ना तो ऐसे लोगों को जितना हो सके ना इग्नोर करो मैं तो इग्नोर ही करती हूँ भाई और मैं कमेंट में देख भी रही थी ना एक दो तीन कमेंट ऐसे आए थे मतलब ऐसी गंदे कमेंट्स आए थे तो जो 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 मेरे ब्लॉग ब्लॉग पसंद करते होंगे तनुजा धामी करके है उनकी आईडी तो उन्होंने खुद ही रिप्लाई दिया था उनका कि तुम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते अच्छा कमेंट कर नहीं सकते तो बुरा कमेंट भी मत करो करके तो हाँ मैं उनसे यही कहना चाहूँगी ऐसे लोगों के मुंह लगना ही बेकार है पता है ऐसे लोगों को जितना तुम भाव दोगे ना ये उतना ही ज़्यादा उछलते रहते हैं तो मैं तो भाई इग्नोर करती हूँ ऐसे लोगों को अगर हम हर हर स्टेप में हर स्टेप में ऐसे लोगों को देखेंगे हाँ यार इसने तो ऐसा कमेंट करा है तो हम वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हम लोगों ने हम लोगों ने ना ऐसे लोगों को देखना ही नहीं है ऐसे कमेंट देखने ही नहीं है इग्नोर बस मैं मेरा तो एक ही उसूल है इग्नोर करो और आगे बढ़ो तो अगला कमेंट है कोरंगा धर्म का आप नाचनी कहाँ आपका आप नाचनी में कहाँ घर है ऐसी कुछ कमेंट करें तो मेरा माइका है नाचनी में और ससुराल मेरा पिथौरागढ़ है तो अगला कमेंट है गोलू खरायत का गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी नहीं है सही सही रहना चाहिए बस वही काफ़ी है अगला कमेंट है अनीता सिंह का नवीन इस लुक में अच्छे लगते हैं खुश रहो दोनों अनीता राणा हरियाणा से कुछ हरियाणा से भी मेरे ब्लॉग्स देख तो आप लोग तो थैंक यू सो मच आप लोगों को और अगला कमेंट है रोहित नेगी का आपका गांव घर कहाँ पड़ता है तो मैं पिथौरागढ़ में रहती हूँ और पिथौरागढ़ में ही मेरा गाँव है मतलब मेन पिथौरागढ़ में ही रहती हूँ मैं है हरीश पंत की गॉड हेमा मस्त रहो चिंता मत करो चिंतन करो तो थैंक यू सो मच आपको और फिर अगला कमेंडेंट है नरेंद्र सिंह का हेमा आप ज्यादा परेशान नहीं होना कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी तो सही बात है भाई मैंने कहा भी था पहली वाली वीडियो में कि मतलब बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता है मेहनत करोगे तभी तो जाके फल मिलेगा अब ये तो नहीं ना हमारी लोग कहते हैं ना कि हाँ किस्मत में नहीं था किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ इतने साल मेहनत करी किस्मत में नहीं था नहीं हुआ भाई तुमने लगन से मेहनत ही नहीं करी होगी ना तो अगर तुम पाँच साल किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर ब्लॉग ले ब्लॉग ही ले लो या फिर पढ़ाई ले लो कि कोई भी कोई कोई भी चीज़ों में ले लो अगर आपने शिद्दत से लगन से मेहनत करी है ना तो भगवान उसका फल देता ही देता है अगला कमेंट है तनु कुमारी का आप हमेशा खुश रहो गॉड ब्लेस यू दी तो थैंक यू सो मच आपको और अगला कमेंट है बोहरा यू के जीरो थ्री का दीदी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो जरूर आप कामयाब होंगे टेंशन मत लो आपकी बाहर आपकी बार ऐसा ही जरूर क्लियर होगा तो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है ना तो थैंक यू सो मच आपको इतना अच्छा कमेंट करा आपने और अगला कमेंट है गिरीश जोशी का ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू तो थैंक यू सो मच आपको और फिर अगला कमेंट है रेनू अधिकारी ब्लॉग्स का आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो दी तो थैंक यू सो मच आपको तो अगला कमेंट है ज्योति वर्मा का दी आप अपनी सिस्टर सोनी की शादी में क्यों नहीं गए ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने करा था बहुत लोगों ने आ, इंस्टा पे भी करा था और फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पे भी तो क्या हुआ ना आ, मैं जाती क्योंकि वो मेरी सगी चाची की बेटी है क्या हुआ घर में कोई नहीं था हसबेंड और मैं ही थे और इधर उधर गए हुए थे तो उन्होंने दुकान संभालनी होती है तो इस वजह से नहीं गई मैं घर में मैं अकेली थी क्योंकि अब घर को छोड़ के भी कहाँ जा सकते हैं ना आफ्टर ऑल एक बहू हूँ तो नहीं जा सकती थी तो इस वजह से नहीं गई मैं तो अगला कमेंट है रंजू रंजू का हेमा दी आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है तो मेरी शादी को डेढ़ साल हो गया है नवंबर 2021 में मेरी शादी हुई थी और नवंबर 21 नवंबर को हमारी सेकंड एनिवर्सरी होगी बलवंत सिंह का कमेंट आया है हेमा जी आपने बताया कि जेठ जी हैं करके तो आपकी जेठानी जी कहाँ हैं आपने नहीं बताया अभी मेरे जेठ जी की शादी नहीं हुई है जो जे, जेठानी को आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा ना परसों वो बगल बगल में रहते हैं तो वो भी मेरी जेठानी लगती है तो इसलिए मैंने जेठानी जी डाला हुआ था वो तो अगला कमेंट है संगीता ब्लॉग्स का आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं <laughs> यार मैं ये क्वेश्चन का ना आंसर बताते बताते थक गई हूँ सच में आ, वो कोई जॉब नहीं करते हैं वो हमारी एक शॉप है नीचे मार्केट में ही तो वो शॉप पे ही रहते हैं अगला कमेंट है सोबन सिंह का उनका कमेंट है ओबीसी और जनरल एक साथ कैसे मैं समझा नहीं बताइए इन्होंने अरे भाई ये बहन हमारे यहाँ मुंशारी नाचने की हरीश धामी ने यहाँ ओबीसी घोषित किया है किसी के ओ घोषित करने पर वो ओ हो जाता है समझना जरा तो हाँ मैं बता देती हूँ जो पिथौरागढ़ में धारचूला धारचूला और मुनशारी वाला क्षेत्र आता है ना तो वहाँ के विधायक हैं हरीश धामी तो उन्होंने तल्ला जोहार वाला जो भी एरिया आता है मतलब जो मुनशारी मुंशारी में आते मुंशारी और धारचूला में जो जो क्षेत्र आते हैं तो वहाँ के लिए उन्होंने ओ घोषित किया ओ लागू कर लागू करा है वहाँ तो वहाँ वालों वहाँ वालों की जनरल के अनुसार मतलब ओ की कट ऑफ़ कम से कम आ, दो तीन नंबर से नीचे ऊपर होती रहती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम ही कट ऑफ चली जाती है लेकिन कभी कभी दो तीन नंबर उसे आ, थोड़ा बहुत कट ऑफ देखने को मिलता है तो हाँ मैं तो मेरा मायका वहीं है ना नाशनी है तो वो तल्ला जोहर वाले एरिया में आता है मुंशियारी में आता है आ, तो हाँ तभी मेरा ओ इस वाले तभी मैंने ओ वाला टॉपिक बोला था शायद अगला कमेंट है सौरभ गोस्वामी का हेमा जी आप देवभूमि उत्तराखंड से हो ना जय हो देवभूमि उत्तराखंड की हाँ जी मैं वहीं से हूँ अगला कमेंट है सौरभ गोस्वामी का ही दोबारा कमेंट आया है हेमा जी मुझे आपका घर का होम टूर बहुत बहुत ब्यूटीफुल और खूबसूरत लगता है तो थैंक यू सो मच तो गाइज ये था मेरा क्यू एन ए वीडियो क्वेश्चन अभी भी बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है क्योंकि अगर मैं अगर सब क्वेश्चन पढ़ूँगी ना तो वो हो जाएगा बीस पच्चीस मिनट का वीडियो तो आप लोग आई थिंक बोर हो जाओगे तो इस वजह से मैंने छोटा ही बनाया तो आप लोगों के जो पेज वाले क्वेश्चन थे फेसबुक पेज में लोगों ने क्वेश्चन करे थे तो वहाँ तो मैं लगभग मतलब लोगों ने थोड़ा बहुत सेम सेम ही क्वेश्चन करे थे ना तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझ आ गया होगा और आपको मतलब जो आपके क्वेश्चन थे उसके आंसर मिल गए होंगे तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय